दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। ट्रांसलेशन सर्विस का जब भी नाम आता है तो हम गूगल की तरफ भाग चलते हैं, और ये चीज़ समझ भी आती है। गूगल काफ़ी बढ़िया अनुवाद करता है और साल दर साल ये और भी अच्छा होता जा रहा है। मगर एक और सर्विस है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इसके मोबाइल एप्लीकेशन में काफ़ी दम भी है। ये सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। हमने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की ट्रांसलेशन ऐप और ट्रांसलेशन सर्विस इस्तेमाल की है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, हम आपको यहाँ इन्हीं दोनों के बारे में बताएंगे ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें। ट्रांसलेशन किसका अच्छा है? ट्रांसलेटर वाले एप्लीकेशन पर आने से पहले ट्रांसलेशन सर्विस की बात कर लेते हैं, मतलब कि कौन ज़्यादा बढ़िया अनुवाद करता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही काफ़ी बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं और ज़्यादातर चीज़ों में उन दोनों का अनुवाद एक जैसा ही होता है, मगर कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट मात खा जाता है। हमने इन दोनों सर्विस को हिंदी में अनुवाद करने के लिए अंग्रेज़ी के 5 वाक्य दिए। देखिए दोनों ने इन्हें कैसे ट्रांसलेट किया। इंडिया इज विटनेसिंग अ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। इस वाक्य को गूगल ने ट्रांसलेट किया है, भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अनुवाद करता है, भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहाँ पर दोनों का अनुवाद सही है। अगला वाक्य है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वॉर्न्ड दैट द नेक्स्ट 4 वीक्स आर क्रिटिकल फॉर द एंटायर नेशन टू कंट्रोल द पैंडेमिक। गूगल इसका अनुवाद करता है, केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 4 सप्ताह पूरे देश के लिए महामारी को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट इसका अनुवाद करता है, केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 4 सप्ताह महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोनों का अनुवाद थोड़ा अलग है, मगर दोनों सही हैं। अगला वाक्य है, व्हाट्सअप। गूगल इसका अनुवाद करता है, क्या हो रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट करता है, क्या चल रहा है। दोनों सर्विस ने इस बोलचाल वाले वाक्य का सही अनुवाद किया है। अगला वाक्य है, हाय हाउ आर यू डूइंग। गूगल इसका अनुवाद करता है, हाय आप क्या कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट करता है, हाय तुम कैसे कर रहे हो। इस बोलचाल वाले वाक्य को माइक्रोसॉफ्ट सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, माने कि मतलब ही बदल गया। अगला वाक्य है, आई गेव अप राइस एंड रोटी कम्प्लीटली टू लूज 12 किलोज। गूगल इसका अनुवाद करता है, मैंने 12 किलो वज़न कम करने के लिए चावल और रोटी पूरी तरह छोड़ दी। माइक्रोसॉफ्ट इसका अनुवाद करता है, मैंने चावल और रोटी पूरी तरह से 12 किलो खोने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर गूगल का अनुवाद बिल्कुल सही है, मगर माइक्रोसॉफ्ट इसे ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। अगर हम स्कूल में मास्टर होते और गूगल माइक्रोसॉफ्ट हमारे छात्र, तो इस टेस्ट में गूगल को 5 में से 5 नंबर मिलते और माइक्रोसॉफ्ट को 5 में से 3.5। अब दोनों की एप्लीकेशन देख लेते हैं, किसकी एप्लीकेशन अच्छी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। ये दोनों ही ऐप बढ़िया फीचर से लैस हैं। दोनों ही ऐप में आप कीबोर्ड पर टाइप करके एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। दोनों ही ऐप में आप बोल कर एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। दोनों ही ऐप में आप अपने सामने लिखे हुए टेक्स्ट को फोटो क्लिक करके उसका अनुवाद पा सकते हैं। दोनों ही ऐप में आप अपने फ़ोन में पड़ी हुई किसी फ़ोटो में लिखे हुए टेक्स्ट को चुनकर उसका अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही ऐप का इस्तेमाल आप अपने पास में खड़े हुए शख्स से बातचीत करने के लिए कर सकते हैं। आप माइक में अपनी भाषा में बोलेंगे और उसका अनुवाद सामने नज़र आएगा, और ऐसे ही सामने वाला शख्स आपके फ़ोन में ही माइक का इस्तेमाल करके अपनी भाषा का अनुवाद आपको दिखा या सुना सकता है। गूगल की एप्लीकेशन कन्वर्सेशन नाम से एक अलग टैब में इसे और आसानी से करने की आज़ादी देती है। इसी तरह गूगल ट्रांसलेटर आपको अपने अनुवाद का ट्रांसक्राइब करने का भी फीचर देता है, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं उसका अनुवाद एक बड़े से पेज पर लिखा जाता है। इसे आप यहां से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ नॉर्मल तरीके से ट्रांसलेट करने पर भी मौजूद होती है, मगर चूंकि इस फीचर में टेक्स्ट एक बड़े से पेज पर लिख कर आता है, इसलिए आपको पूरा आइडिया होता है कि स्क्रीन पर क्या लिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से ये ऐप हमारा फेवरेट है। आप किसी दूर बैठे हुए शख्स से इंटरनेट की मदद से 2 अलग अलग भाषाओं में ऐसे चैटिंग कर सकते हैं जैसे आप दोनों एक ही भाषा बोलते हो। मतलब कि आप अपने फ़ोन पर हिंदी में कुछ लिखेंगे और दूसरे शख्स के फ़ोन पर ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ दिखेगा, वो उधर से अंग्रेज़ी में लिखेगा और यहाँ आपको हिंदी में लिखा हुआ नज़र आएगा।
अगर आपको इस फीचर की जरूरत है तब माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर आपके लिए अच्छा है, वरना फिर बेहतर ट्रांसलेशन सर्विस की वजह से गूगल ट्रांसलेटर बेहतर रहेगा। बाकी तो आप दोनों ऐप को चलाकर भी देख सकते हैं कि कौन इस्तेमाल करने में आपको ज़्यादा सही लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।